सो गाइस, फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं चाइना पीक पे, जो कि अब नैना पीक के नाम से जाना जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अभी क्लाउड्स लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो व्यू साफ नहीं दिख रहा है। तो गाइस फाइनली मुक्तेश्वर पहुंच गया हूं। तो यहां पर एक नोन हमारे पहाड़ी भाई मिल गए हैं, दिंदा हमारे दिनेश जी। तो इनका खुद का यहां पे पूरा कैंप सेटअप वगैरह है, तो मैंने सोचा इन्हीं के वहीं आया जाए, इनसे फोन पे बात हुई थी। तो अभी फिलहाल यहां पहुंच गए हैं, ऊपर देखते हैं हिमालयन ओक करके, तो डिटेल्स वगैरह मैं सारी बता दूंगा आप लोग को। और अभी सीन ये है कि अमित तो निकल गया घर अल्मोड़े की तरफ और मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर सोलो पे। और सीन जो नैनीताल में है वो पूरा पैक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं ऑलरेडी, मुझे लगा था इतनी ज़्यादा भीड़ होगी नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो भूल ही जाओ, इवन लोगों ने मास्क तक नहीं पहना हुआ है। टूरिस्ट आया हुआ है दबा के, और हालांकि मैं सोच रहा था उधर वहाँ पे एक साइन बना हुआ है आई लव नैनीताल करके, वहाँ पे व्लॉगिंग करूँगा, बट वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा साइड में होके व्लॉगिंग करी जाए, ज़्यादा बेटर है। सो अभी मैं जा रहा हूँ सीधे यहाँ से मुक्तेश्वर। कुछ घंटों की राइड के बाद फाइनली मैं मुक्तेश्वर पहुंच गया और मुझे ये छोटा सा रैनबसेरा मिल गया। उसके बाद क्या था, मैंने फटाफट अपना सामान समेटा और फिर जो माहौल सेट हुआ है ना भाई, वो आप खुद ही देख लो। बहुत सुंदर। संभालो मुझको मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। चूंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, इसलिए मैंने फटाफट रैप अप करके अपना डिनर स्टार्ट कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा गिटार भी एक बहुत अनोखी चीज़ है, जहाँ दिख जाती है वहाँ दोस्त अपने आप बन जाते हैं। यार पहाड़ों की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ सूरज की पहली किरण के साथ और वो चिड़िया की पहली चहचहाट के साथ अपने आप नींद खुल जाती है, और जो सुबह उठते ही बाहर नज़ारा देखने को मिलता है ना, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ टेंपल, शिव जी का टेंपल, एक बहुत पुराना यहाँ पे, तो वहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है, वो भी कवर करेंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ आएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और चेकआउट करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे हल्द्वानी के लिए। सो गाइस, अभी एक बेवकूफ़ी वाला काम हो गया था, मैंने अपना कैमरा यहाँ रखा हुआ था सीट पे और स्कूटी स्टार्ट कर दी धन्नो को, तो जैसी स्कूटी स्टार्ट करी कैमरा नीचे गिर गया और मेरा दिल बिल्कुल एकदम मुंह से बाहर आ गया था। सो गाइस, ऐसी बेवकूफ़ी वाला काम ना करें। और फिलहाल मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से मंदिर के लिए, मैंने स्कूटी स्टार्ट कर दी, थोड़ी देर गर्म हो जाए फिर निकलते हैं। सो गाइस, जो चौराहा दिख रहा है ना, जो सामने से रोड आ रही है भवाली से आ रही है, तो अगर आप भवाली से आ रहे हो तो इधर से आओगे, और ये जो रास्ता है ये मुक्तेश्वर मंदिर को जा रहा है नीचे वाला, और ये जो ऊपर को रास्ता जाता है ये कैंप साइट्स को जाता है। जो बोर्ड दिख रहे हैं आपको, ये सारे बोर्ड्स कैंप के लगे हुए हैं कि ये कैंप है, कॉटेज है, जो भी है, तो नंबर भी इनके दिए हुए हैं इसी बोर्ड में। मैं भी जब निकला था घर से, उधर से मतलब बंगोट से, तो मैं बिना बुकिंग के आ गया था, ऐसे ही आवारा हूँ, कहीं भी निकल जाता हूँ, तो मैंने इन्हीं नंबरों में से रुक के यहाँ पे कॉल की थी एक आध लोगों को, पता करने के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, क्या रेट है, क्या कॉस्टिंग चल रही है। सो गाइस, जहाँ से मैं निकला था वहाँ से करीब यहाँ मंदिर पहुँचने में 20 मिनट मुझे लगे, और बिकॉज अभी रोड भी खाली है, मॉर्निंग का टाइम है, और फाइनली हम मंदिर पे पहुंच चुके हैं। एज यू कैन सी, यहाँ से रास्ता थोड़ा सा 500 मीटर ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर टॉप में मंदिर है। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जो रास्ता ठीक है, रोड थोड़ी सी बीच में टूटी टूटी सी है, और बीच में जंगल भी पड़ता है, कहीं कहीं पर बीच में थोड़ी सी आबादी है, थोड़े से छोटे छोटे गाँव हैं, दुकानें वुकानें होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो आई थिंक अगर आप आते हो तो अगर आपको व्यू पॉइंट साइट वाला रिजॉर्ट लेना है तो आप इधर साइड कहीं ले सकते हो, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, उस पर आगे बात करते हैं। अभी फिलहाल मंदिर की ओर चलते हैं। तो ये जूते वूते उतारने का यहाँ पर है, बाकी नीचे भी एक स्टैंड है, वहाँ पे भी आप उतार सकते हैं। मंदिर में भीड़ तो काफ़ी कम है, आई थिंक सुबह का टाइम है, मैं भी इस वजह से भीड़ कम है, और दुकानें भी अभी खुली नहीं है, बिकॉज हम अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं। चलते हैं दर्शन करके आते हैं ऊपर। जय भोले बाबा। अलग ही फ्रेगनेंस आती है मंदिर में, आती है एकदम,
जय भोलेनाथ। सो गाइस, ये है मेन मंदिर। मंदिर की बात करें शिव जी के, तो ये तकरीबन 350 साल पुराना है ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे अभी 8 बजे करीब मैं आया था तो कोई नहीं था, शांति थी बहुत ही, एक दो लोग मिले थे और आराम से बैठ के मैंने पूजा पाठ करी। बट थोड़ी देर में बैठा था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा माहौल है, शांति एकदम, आपको एक लगता है कि वाइब्स मिलती हैं, अट्रैक्शन मिलता है, ऐसा लगता है कि वहीं बैठे रहो, बस वहाँ से कहीं मत जाओ। बट हालांकि मैं जैसे बैठा था वहाँ पे तो बंदर वगैरह आ गए, तो थोड़ा सा बंदरों का है तो मुझे डर सा लगा कि यार कहीं कैमरा वैमरा ना उठा ले जाए या छीन ना ले, तो इसलिए मैंने फिर रैप अप करके अभी नीचे को आ गया हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर आते हो तो यहाँ आप ज़रूर आना, बट वहाँ पे मंदिर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, अगर आते हो तो आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है जो मंदिर के होते हैं, और एक भक्ति भावना लेकर आना है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आगे भसड़ मचानी है, बाकी आप समझदार हो। और प्लास्टिक वगैरह यूज़ ना करें, अगर लेके भी आ रहे हो तो अपने साथ लेके जाएँ, यहाँ कहीं मत फेंके। सो गाइस, मैं वहाँ से थोड़ा आगे चले गया था, वहाँ से भी एक रास्ता है बट वो थोड़ा सा जंगल वाला है, ऑफ रोडिंग है थोड़ी, और थोड़ा रास्ता नोन भी नहीं है, तो मुझे वहाँ पता लगा कि एक मंदिर से ही रास्ता जाता है, तो मैं दोबारा मंदिर में आ गया हूँ। जो मंदिर की ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट से एक रास्ता जो ऊपर को मंदिर को जा रहा है, और एक रास्ता जो नीचे को जा रहा है, ये सीधे चौली की जाली में जाता है, जो मेन यहाँ पर व्यू पॉइंट है। सो गाइस, ये है रास्ता, थोड़ा सा वहाँ तक सीमेंटेड था, अभी थोड़ा सा पथरीला स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं ऑलरेडी, तो बेसिकली चट्टान वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ से व्यू पॉइंट है तगड़ा। उसके बाद बहुत सारी चट्टानें, आप किसी में भी जाके फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, सही जगह है यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए एकांत। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं, तो आप किसी भी कोने में आ जाइए, वहाँ से एकदम से क्लिफ देखने को मिलती है, काफ़ी खतरनाक व्यू है। और अगर आप थोड़ा राइट साइड को ज़्यादा आ जाएंगे तो उधर साइड से हिमालयस भी दिख रहे हैं, अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। और बाकी यहाँ से अमेजिंग वैली दिख रही है, बिल्कुल ग्रीन, तो अभी फटाफट यहाँ पे एक बार ड्रोन उड़ा लेते हैं। शॉट सारे ले लिए हैं, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे तो भाई लोग मिले हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, कहाँ से आए हो बार? साउथ दिल्ली से आए हुए हैं एक वीक के लिए। कैसा लग रहा है फिर उत्तराखंड? मस्त। सो गाइस, वहाँ से मैं वापस आ गया था और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो ब्रेकफास्ट किया जा रहा है, उसके बाद निकल जाऊँगा मैं सीधे वापसी के लिए। तो एक आध चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, पहली चीज़ ये कि आप जब भी यहाँ आते हो तो मुक्तेश्वर का मैप जब सेट करते हो तो मुक्तेश्वर का मैप सीधे मुक्तेश्वर टेंपल पे लेके जाता है, जो कि 0 पॉइंट है, उससे आगे रोड नहीं आती है। तो मैंने भी ये कल गलती करी थी, मुक्तेश्वर का मैप सेट कर दिया था तो मैं वहाँ पहुँच गया था, जबकि मेरी जो कैंप साइट थी बहुत पीछे थी, 7 किलोमीटर पीछे थी, तो वापस आया, वो थोड़ा सा मुझे लगा। तो आप जब भी आ रहे हो तो होटल की लोकेशन सेट कर लो, जो भी होटल या रिजॉर्ट में आप रुके हो या जिस भी कैंप साइट में रुके हो, इंस्टीड ऑफ मुक्तेश्वर की लोकेशन। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे ना पेट्रोल पंप नहीं है, तो अगर आपको आ रहे हो तो अपनी गाड़ी से तो टंकी फुल करा के आना, पेट्रोल पंप के लिए आपको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे अदरवाइज ब्लैक में मिलता है, वो भी अराउंड 100 रुपये लीटर के आसपास मिल जाता है। बढ़िया ये है कि भवाली भीमताल से जब भी आप आ रहे हो तो अपनी टंकी फुल करा के आएँ। तीसरी चीज़ ये है कि यार, अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हो तो इस एक्सपेक्टेशन से मत आना कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, घूमने को मिलेंगी, बेसिकली एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, यहाँ आके आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चिल मार सकते हो कुछ दिन, तो वो उसी के लिए बेस्ट है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत जगह भीड़ है, आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, बहुत सारी दुकानें मॉल्स वगैरह मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कि छोटा सा शहर है पहाड़ के बीच में। हालांकि यहाँ रिजॉर्ट्स वगैरह और व्यू पॉइंट्स काफ़ी हैं जो आपने देखा होगा वीडियोज़ में, बट इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा एक वाटरफॉल यहाँ पर है एक दो, और यहाँ पर ट्रैक वगैरह करवाते हैं, तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैंने वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया है बिकॉज अभी मुझे जल्दी पहुँचना भी है हल्द्वानी। तो बस यार, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ भी क्वेरीज या सजेशन है वीडियो से रिलेटेड या फिर इस प्लेस से रिलेटेड या जहां हम गए थे पंगोट मुक्तेश्वर, किसी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। हेलो गाइस, व्हाट्स योर नेम? सी योर नेम। माय नेम इज तेजस। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम चरखी दादरी। से टू कैमरा। I am from Sarkhi Dadri. कभी भी तरफ बढ़ गया।